ओम शांति, ओम शांति। अगर किसी ने आपको आकर के कमियां सुनाएंगे तो किस आधार से उससे आप अपने आप को मुक्त करेंगे? युक्ति है कोई? युक्ति है? हैं? समझो, आजकल दुनिया में सभी फूड कॉन्शियस ज्यादा बन गए। एक आना वो खाना नहीं चाहिए, उनको अपने ऊपर एक तरह की अटेंशन आ गया। कोई व्रत रखता है, कितनों को माताओं को व्रत रखने का अभ्यास में हाथ उठता, जो पहले ज्ञान में आने के पहले में व्रत रखता था वो हाथ उठता। आपके जीवन काल में कभी व्रत नहीं तोड़ा? जो कहता है मैं कभी व्रत नहीं तोड़ा वो हाथ उठा। जब रिश्तेदार आकर के फोर्स किया कि आप कुछ ना कुछ मेरे लिए ये खाना है, कभी व्रत नहीं तोड़ा? देखो, इसका मतलब है आत्मा में व्रत रखने का दृढ़ संकल्प का शक्ति है। तो अगर कोई आकर के आपको किसी कमजोरी या किसी का कोई, जैसे लोग दुनिया वाले आजकल टीवी चैनल्स में क्या सुनते रहते हैं, न्यूज। न्यूज का मतलब क्या होता है? वार्ता का मतलब क्या होता है? वार्ता में क्या होता है, क्या होता है? आप सभी का भी कमजोरियों का लेन देन, किसी के नीचे उतराना, नीचे डालना, किसी को ऊपर उठाना, अपने आप का खुद का महिमा करना, अहंकार में अपने को महान समझना, यही दिखाते हैं। तो अगर किसी ने आकर के आपके कान में दूसरों की कमी सुनाया तो आपके पास हिम्मत है ऐसा करने का कि मैं एक व्रत रख रहा हूं। ये व्रत है व्यर्थ मुक्त रक्त। कौन सा रक्त? कौन सा रक्त? व्यर्थ मुक्त रक्त। आप समझते हैं ही सुनूंगा ना वो क्या समझते? तो ऐसे आप अपने को तोड़ा भी इधर, आप अपने आप को बहुत हल्का कर दिया तो कर्मों का पार्टनर जरूर बन गया। आप शक्ति स्वरूप बनकर बोल दिए जा आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सॉरी। बोलो बोलो, देखेंगे, बोलो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सॉरी, मुझे माफ कर दिए जाए, मैं व्यर्थ मुक्त रक्त रख रहा हूं। कौन सा रक्त रख रहा हूं? अगर इतना आपको ताकत है जो दूसरों को बोलने का, तो आप इस जॉइंट अकाउंट में नहीं आएंगे। अगर आपने लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को अपने कुछ ना कुछ सूक्ष्म रूप से वो नाराज ना हो, ये बातों को देख करके आपने कंज्यूम कर दिया, यानी उस बातों को अंदर लेकर के एक भी भाव बिगड़ दिया, तो आपका ब्रह्मांड का अकाउंट में क्या खाता जमा होता है? माइनस।